गुड मॉर्निंग एवरी वन. इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट स्टीरियोआइसोमर. स्टीरियोआइसोमर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, लाइक ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, इनेंशियोमर क्या होते हैं, डायस्टियोमर क्या होते हैं एंड मेजो कंपाउंड क्या होते हैं. फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है, पहले तो इस बात करते हैं हाउ डू वी मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी. इन वी यूज़ पोलरी मीटर. ओके, पहले तो हम जान लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर क्या, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिर पोलरी मीटर, फिर इनेंशियोमर, डायस्टोमर, फिर मेजर कंपाउंड. ओके, फर्स्टली वी हैव डिस्कवर द ऑप्टिकल आइसोमर. ठीक है, ये होते हैं एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं. ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन मीन दैट कायरल कार्बन. द कायरल कार्बन से डैट द कार्बन एट कार्बन और कार्बन से जो एटम जुड़े हुए हैं वे अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, जैसे CH3 हो गया, OH हो गया, COOH हो गया, H हो गया. ऑल द एटम आर नॉट सेम, दीज आर कायरल कार्बन. वी हैव यू नो एसिमेट्रिक कार्बन मीन ए कायरल कार्बन एंड द मिरर इमेज शुड नॉट बी सुपर इम्पॉसिबल. ठीक है, अगर उसका जो भी हम बनाए हुए हैं वे अलग है, अगर उसका हम सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनाएंगे तो सुपर इम्पोज होना नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब जैसे ये लैक्टिक एसिड है, एलैक्टिक एसिड है और डी लैक्टिक एसिड है. ठीक है, अब इसको हम अगर सुपर इम्पोज कराएं, इसको अगर इस पे रखें तो H के ऊपर OH आएगा, OH के ऊपर H आएगा. ठीक है, ये सुपर नॉट बी सुपर इम्पॉसिबल. अब हम देखते हैं पोलरी मीटर क्या होता है. ठीक है, ये इसका एक टार्टरिक एसिड का भी एक एग्जांपल है. ठीक है, ये देखिए दो स्ट्रक्चर हैं, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए दे आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल. ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या होता है. देखिए ये क्या है, स्टेमेटिक डायग्राम ऑफ पोलरी मीटर. ठीक है, ये पोलरी मीटर है, इसमें क्या मेज़र करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे मेज़र करेंगे, देखिएगा, When the ordinary light pass through a Nicol prism and the polarizer it vibrate in a single direction, then it is called as plane polarized light. ठीक है, If the solution of some organic compound have the ability, ये sample tube है, इसमें क्या है, organic compound sample रखा हुआ है. ठीक है, अभी रोटेट करेगा किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को. दिस कंपाउंड हैव ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, एंड दिस दे हैव कैन शो द प्रॉपर्टी, इट कैन रोटेट एल, इट कैन रोटेट डी. ठीक, ये है पोलरी मीटर, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल आइसोमर. अब हम बात कर लेते हैं क्या होता है मेजो कंपाउंड. ठीक है, मेजो कंपाउंड आर द दोज कंपाउंड दे कैन शो प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, दे कैन शो प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, अ मेजर कंपाउंड हैव ऑप्टिकल इनएक्टिव. ठीक है, मतलब अगर आप इतना लिखते हैं और उसमें अगर मेन पॉइंट, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉल्ड एज मेजो कंपाउंड. ठीक है, अब जैसे ये दो क्या बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है. ठीक है, अब इसको ये सुपर इम्पॉसिबल है. ठीक है, सुपर इम्पॉसिबल है. ये भी रश्मिक मिक्सचर क्या होता है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं व्हाट आर मेजो कंपाउंड. ठीक है, मेजो कंपाउंड, अ मेजो कंपाउंड इज वन हुज मॉलिक्यूल सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस इवन थ्रो दे कंटेन कायरल सेंटर. ठीक, नोट में अ मेजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, लाइक टार्टरिक एसिड का ये हो गया. ये क्या कर रहा है, दैट कैन शो प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर, अगर इसको आप आधे ऊपर करेंगे तो ये एच के ऊपर एच आ जाएगा, ओ एच के ऊपर ओ एच आ जाएगा और सी डब्ल्यू को ओ एच आ जाएगा. ठीक है, ये टार्टरिक एसिड हो गया. अब देख लेते हैं 2.3 डाइक्लोरोब्यूट 1.4 डाइऑल, इसका भी अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री करेंगे तो ये क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा. ठीक है, व्हाट डू मीन बाय रेसमिक मिक्सचर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक, एंड इक्विमेलर ऑफ टू मिक्सचर देयर फोर इट विल बी नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, इट ऑल इज सेट टू बी ऑप्टिकल इनएक्टिव. ठीक है, अब इसका
टार्ट्रिक एसिड, और फिर वही फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर रोटेट, एच से ओ एच रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एच से ओ एच रोटेट कर रहा है, तो डी हो गया और एल हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं दोनों। ठीक है, इक्वीमोलर हैं। ठीक है, दीज आर इक्वीमोलर। ठीक है, अब इनेंशियोमर क्या होते हैं, ठीक है, वी हैव डिस्कस अबाउट इनेंशियोमर। इनेंशियोमर देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं। देखिए, कंडीशन कौन कौन सी होती हैं ऑप्टिकल आइसोमर होने की। मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट मिरर इमेजेस। ठीक है, इन सिंपल मॉलिक्यूल दे कैरल्टी रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन इज वन विच इज बॉन्डेड विथ फोर डिफरेंट ग्रुप। ठीक, अब ये रहा, अब हम बात करते हैं व्हाट आर डायस्टोमर्स। डायस्टोमर क्या होते हैं, इट इज़ अ स्टीरियो आइसोमर होते हैं डैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर और कॉल्ड एज डायस्टोमर्स। ठीक है, जैसे थ्री ब्रोमोट्यूबिटिमोनोल है, इसका 1, 2, 3, 4 स्ट्रक्चर बनाए हैं, दे आर फोर आइसोमर ऑफ टू पेयर ऑफ इनेंशियोमर। ठीक है, दे आर फोर आइसोमर ऑफ टू पेयर ऑफ इनेंशियोमर। नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड एंड द फोर्थ, दे आर नाइदर सुपर इम्पॉसिबल एंड वाई दे आर डायस्टोमर ईच अदर। ठीक, ये डायस्टोमर ईच अदर है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायस्टोमर। डायस्टोमर इज सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, डायस्टोमर्स आर स्पेसिफिक रोटेशन, दे मे हैव द सेम और अपोजिट साइट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब एक टर्म आ रहा है स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है, दो नंबर में पूछा जाता है, आप इसको रट लीजिए, समझ लीजिए। स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज अ रोटेशन प्रोड्यूसेस बाय अ सॉल्यूशन ऑफ अ लेंथ 1 डेसीमीटर एंड यूनिट कंसंट्रेशन 1 mg/mL फॉर द गिवन वेवलेंथ ऑफ अ लाइट फॉर अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, कंसिडर अ सिस्टम इन विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेट थ्रू अल्फा एट अ टेम्परेचर टी यूजिंग सोडियम बी लाइट एज अ सोर्स। स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा है, टी है, डी है, इज इक्वल टू 100 α/LC। अल्फा क्या है, ऑब्जर्व रोटेशन है, और एल सी क्या है, कंसनट्रेशन सैम्पल है, डी क्या है, वेव लेंथ है, टी क्या है, टाइम है। ठीक, इसको अगर इजी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, रटना चाहें, तो गिवन टाइम एंड गिवन वेव लेंथ रोटेशन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन। क्या बोला, गिवन टाइम एंड गिवन वेव लेंथ रोटेशन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, थैंक यू। अगर इतना अगर समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।